लखनऊ में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना LIC के सबसे बड़ी हार। जडेजा के पास सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच रिकॉर्ड। IPL में 5 मई 2024 यानी रविवार को डबल हेडर मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। वहीं दिन के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर 98 रन से जीत हासिल की है। पहले मुकाबले में धर्मशाला मैदान पर रविवार को पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में पंजाब 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 139 रन बना सकी। दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने होम ग्राउंड भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यानी कान्हा स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 235 रन बनाए। जवाब में लखनऊ 16.1 ओवर में 137 रन पर ऑल आउट हो गई। KKR ने लखनऊ के मैदान पर T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वहीं LIC को अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बतौर CSK प्लेयर 16वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच मिला। मैच में बने टॉप रिकॉर्ड्स। लखनऊ में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना। KKR ने लखनऊ में T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आज तक किकाना के मैदान पर कोई टीम 200 रन नहीं बना सकी थी। साल 2022 में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ यहां 199 रन बनाए। वहीं इसी सीजन LIC ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 199 रन बनाए थे। लखनऊ के इस मैदान पर इसी सीजन RR के जॉस बटलर के शतक के सहारे टीम ने 194 रन का टारगेट 199 रन बनाकर हासिल किया था। IPL में LIC की सबसे बड़ी हार। IPL में लखनऊ को रनों के मार्जिन से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम को KKR ने 98 रन से हराया। इससे पहले टीम को 2023 में मुंबई इंडियंस ने चेपॉक स्टेडियम में 81 रन से शिकस्त दी थी। KKR की तीसरी सबसे बड़ी जीत। KKR को IPL में रनों के अंतर से तीसरी सबसे बड़ी जीत मिली। टीम को साल 2008 यानी IPL के पहले सीजन में RCB के खिलाफ 140 रन से जीत मिली थी, जो कि टीम के लिए सबसे बड़ी है। KKR ने LIC के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाया। IPL में LIC के खिलाफ KKR ने सबसे बड़ा टोटल बनाया। अब तक कोई टीम LIC के खिलाफ इतने रन नहीं बना सकी थी।